राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। आगरा थाना मलप्रा क्षेत्र के गांव वेपरा में 66 वर्षीय उदयवी सिंह की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। आपको बताते चले हैं कि थाना मलप्रा के गांव वेपरा में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से गांव में मचा हड़कंप। गांव वेपरा में यह पहला केस है जो कि कोरोना संक्रमित हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा जाँच कर रही है। इससे गाँव के क्षेत्रवासी काफी दहशत में है। यह पूरा मामला थाना मलप्रा के गांव अवेपरा का है। ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि उदयवी सिंह नामक व्यक्ति 8 दिन से बुखार से पीड़ित थे। उन्होंने बुखार के चलते जिला अस्पताल आगरा में कोरोना जांच करवाई तो वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में जाकर कोरोना संक्रमित मरीज को अपने साथ ले गई। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में जांच की जा रही है। उदयवीर के परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई है और 25 लोगों को कर दिया गया है होम क्वारंटाइन। स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर सुनील कुमार स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि सभी गांव को सैनिटाइजर कर दिया गया है और सभी स्थानीय लोगों की जाँच चल रही है जिससे पता चल सके कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित तो नहीं है। थाना मलप्रा पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमित के घर के आसपास गलियों को सीज कर दिया गया है। सूत्रों के द्वारा मलप्रा थाने के ठीक सामने ठाकुर मेडिकल स्टोर के नाम से चलाते हैं मेडिकल स्टोर। मलप्रा क्षेत्रवासी कोरोना की चपेट से बच पाएंगे या नहीं, थाने के सामने मेडिकल स्टोर से कितनों को दी होगी दवा, दवा लेने से कितने व्यक्ति हुए होंगे कोरोना संक्रमित, मलप्रा क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट आगरा से। जी, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर सुशील कुमार, चिकित्सा अधीक्षक सौंदर्य शासन केंद्र कोरा से हूँ। जी सर, कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई है सर, उनकी एज क्या होगी? ये उदयवीर सिंह जो हैं, इनकी उम्र जो है 66 साल है और ये पिछले जो है 10 दिन से लगभग बीमार चल रहे थे। इनको बुखार की, सांस की जो है दिक्कत होती और इन्होंने पिछले जो 13 तारीख को जो है जिला अस्पताल में दिखाया, वहाँ जाकर इनकी जांच हुई और जांच होने के बाद जो है फिर 16 तारीख को इनकी जो है कोरोना पॉजिटिव जाँच आई और आज हम लोग जो हैं और इनको आइसोलेट कर लिया गया हॉस्पिटल में और आज के दिन जो है हम लोग जो है ये इनका सर्वे कर रहे हैं टोटल और पूरे परिवार का जो है देखा गया है कोई लक्षण तो नहीं इनके अंदर और ये सर्वे हम लोग जो है लगातार 3 दिन तक करेंगे। और आज सर कितने लोगों की आज उनके परिवार के जो है जाँच है अभी लगभग जो है जाँच की गई और अभी जो है पूरे आस पास के 3-4 की जाँच खबर किया जाएगा और उनको देखा जाएगा कि ऐसे किसी के और लक्षण तो नहीं निकलना है। अगर किसी के आगे कोई लक्षण है तो तुरंत ट्रीटमेंट ये दिया जाएगा और अगर उसे संबंधित होंगे तो फिर उनको भी जाँच करेंगे। कितने लोग क्वारंटाइन तो अभी लगभग जो है जितनी बैरिकेडिंग होगी लगभग जो है ये घर तो पूरा क्वारंटाइन रहेगा रहेगा उसके ऊपर चिंता किया जाएगा वैसा वैसे और इनकी दिन किसी को क्वारंटाइन करेंगे। कितने लोग होंगे? 25। हाँ, इसके अंदर जो है जितने भी लोग जो क्वारंटाइन स्टीम है ये लोग सभी हैं। क्या नाम है सर? कोरोना निकला था उनको जो है उनकी देखवाली है उनको उनका टेस्ट ले लिया गया है और वहाँ टीम अच्छा सभी तरह का व्यवस्था कर रही है, दवाई भी दे रही है और उनका जो मंडी वगैरह लॉक डाउन कर दिया है। पहले कराया, फिर एक दिन पहले कराया। जिस परिवार में प्रधान जी, जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव ये केस आए हैं उदयवीर सिंह जी, उनकी उनके घर में कितने सदस्य होंगे करीब? एक साथ ही रहते हैं। अच्छा, ये काम मेडिकल की दुकान करते थे? क्या नाम है दुकान का? ठाकुर मेडिकल स्टोर। अच्छा जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम आके अपना कार्य कर रही है, पूरा देखभाल कर रही है, चेकअप कर रही है, पुलिस प्रशासन
रहा है और पुलिस भी आई है थाने से। कल ही बंद कर दी गई।